नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, आप जो सोचेंगे आप वही हो जाएंगे। अगर आप खुद को हमेशा कमजोर सोचेंगे तो एक दिन आप जरूर कमजोर बन जाएंगे, आप बहुत ज्यादा कष्ट में होंगे। अगर आप हमेशा अपने आप को शक्तिशाली सोचेंगे, अपने आप को मजबूत बनाने सोचेंगे, तो एक दिन आप परम शक्तिशाली बन जाएंगे। आप वो हर मुकाम पाएंगे जो आप सोचते हैं, यानी कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आपका दिमाग काम करता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए आप हमेशा अच्छा सोचें और कुछ बड़ा करने का सोचें, क्योंकि धरती पाए हैं तो कुछ नाम करो। वैसे तो हर आदमी आता है, लेकिन नाम उसी को होता है जो कुछ बड़ा करके आता है। दोस्तों, विवेकानंद जी का आज हर एक बात सत्य हुआ है। आज से 50 साल पहले हम लोग क्या सोचते थे, हम लोग के दिमाग में यह वहम बैठ गया था कि हम लोग सचमुच में बहुत कमजोर हैं, हम लोग सचमुच में बहुत पिछड़े हुए हैं। दोस्तों, अंग्रेजों ने, मुगलों ने पूरे दुनिया में हमको लूटा भी, और हमें दिमाग में एक डर बैठा दिया गया, हमेशा से डर बैठा दिया कि हम लोग कमजोर थे, हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे। दोस्तों, हम लोग वो मान भी गए। जिस प्रकार से हाथी के बच्चे को हमेशा बचपन से उसे बांध कर रखा जाता है, और जब वो बड़ा होता है, दोस्तों हाथी चाहे तो एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ सकता है, लेकिन बड़े होने के बावजूद भी एक छोटा सा खम्भा नहीं उखाड़ पाता है। जिस खम्भे में उसे बांधा जाता है उसी पर बंधा रहता है, यानी कि हाथी के दिमाग में हमेशा से वो डर बैठ जाता है बचपन से कि ये खम्भा बहुत ही बलवान है, इसीलिए दोस्तों हाथी कभी तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। हम लोग के साथ भी यही हुआ था, लेकिन बड़ी बात यह है, ये आज का भारत है, भारत बदल चुका है और दुनिया को चौंका रहा है। DRDO का दोस्तों एक से बढ़कर एक कारनामा हो रहा है, और DRDO ने एक ऐसा हथियार बनाया है ना, जिसका ना तो कोई तोड़ है और ना ही कोई सामना कर पाएगा। कह सकते हैं कि जब ये हथियार बना था तो पूरे दुनिया एक हो गया था, भारत घेरने के लिए हर हथकंडे अपना दिया था, यहाँ तक कि नेटो, यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ तक कि चाइना, सब एक हो गए दोस्तों, भारत को घेरने का पूरा प्रयास किया था। लेकिन भारत ने एक ऐसा हथियार बना दिया जिससे पूरी दुनिया आज भी खौफ खाता है। दोस्तों, ये भारत का ब्रह्मास्त्र, कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब तक इस हथियार दोस्तों थर थर कांपता है। जब भी युद्ध होता है पाकिस्तान चाहता है कि यह हथियार ना चले, अगर यह हथियार चलेगा तो एक ही बार में हजारों पाकिस्तानी स्वाह हो जाएगा, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर देगा, इतना खतरनाक है ये हथियार। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, समझिए। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम जानने से पहले आप उसका खूबी जानिए, आप खूबी जानकर चौंक जाएंगे, आप बोलेंगे भाई ये तो कमाल हो गया, आखिरकार ऐसा मिसाइल भारत के पास है, ये तो हद हो गया। पहली बात तो यह दोस्तों, इसमें तमाम प्रकार के आप वारहेड लगा सकते हैं, यानी कि उसमें तमाम प्रकार का आप जो भी बम बारूद है उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको न्यूक्लियर वेपन लगाना है, परमाणु बम लगाना है, लगा दीजिए। मान लीजिए आपको केमिकल बम लगाना है, लगा दीजिए। मान लीजिए आपको क्लस्टर लगाना है, लगा दीजिए। यानी कि जो भी कुछ खतरनाक है, चाहे RDX हो, कुछ भी खतरनाक हो, जो जलनशील हो, जो विस्फोट कर सके, आप आराम से इस मिसाइल में लगा सकते हैं। दोस्तों, ये बेहद ही खतरनाक है, और यह एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस का मतलब होता है जमीन से लेकर जमीन पे वार, मतलब मान लीजिए भारत का जमीन है जम्मू कश्मीर, दोस्तों वहाँ से हम वार करेंगे तो पाकिस्तान का एक शहर है कराची, उस पर गिरेगा, यानी कि पाकिस्तान का एक शहर है उड़ा देगा। मान लीजिए हम लोग अरुणाचल से ये लंच करेंगे तो चाइना का तिब्बत में जो भी बड़ा बेस होगा उसे उड़ा दे, यानी कि ये केवल जमीन से लंच होगा और जमीन पे ही गिरेगा, इसे बोलते हैं सरफेस टू सरफेस। दोस्तों, ये हवा में किसी को नहीं मारेगा, मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है, फाइटर प्लेन है, उसे नहीं मारेगा, ना तो ये पानी में जाएगा, केवल जमीन पे गिरेगा, इसलिए उसे सरफेस टू सरफेस बोलते हैं। और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल का खूबी जानते हैं आप, या सीधा अंतरिक्ष में जाता है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल सेम टू सेम रॉकेट जैसा काम करता है, पहले तो अंतरिक्ष में जाएगा बहुत ऊपर और वहाँ से सीधे फ्री फॉल में नीचे गिरेगा, यानी कि पहले तो आसमान में जाएगा फिर नीचे आएगा, जिस प्रकार से गेंद ऊपर फेंकते हैं फिर नीचे आता है, दोस्तों ऐसे ही वो काम करता है, ऊपर जाएगा और फिर आराम से नीचे दुश्मन पे हमला कर देगा, दुश्मन उसे रोक नहीं पाता है। और बड़ी बात तो यह है, इस मिसाइल का दोस्तों एक खासियत ना, जो पूरे दुनिया के लिए तहलका मचाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, यह मिसाइल पूरी तरह से गाइडेंस सिस्टम से लेस है, कह सकते हैं इसमें कई प्रकार का नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। खास तौर पे मान लीजिए कोई टारगेट अपना रास्ता बदल रहा है तो यह मिसाइल भी अपना रास्ता बदल लेगा, यानी कि मान लीजिए दुश्मन कहीं छुप रहा है तो यह भी छुपते हुए उस पर वार करेगा, यानी कि इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। इतना ही नहीं, उसका एक्यूरेसी 50 मीटर के रेंज में, दोस्तों 50 मीटर के आसपास में कोई भी जो भी खतरनाक टारगेट हो, दोस्तों कई बार तो 10 मीटर के रेंज में दुश्मन को मार गिराता है,
यानी कि उसका एक्यूरेसी लगभग लगभग 99% है। मान लीजिए अगर हम लोग अरुणाचल से तिब्बत में बम गिरा रहे हैं तो तिब्बत में ही गिरेगा, किसी एयरबेस पर ही गिरेगा, ना इधर ना उधर, 10 मीटर इधर उधर हो सकता है दोस्तों, इतना एक्यूरेसी है। आप बोलेंगे उसका नाम क्या है? देखिए उस मिसाइल का नाम है पृथ्वी 2। दोस्तों पृथ्वी 2 एक बेहद ही खतरनाक मिसाइल है, और पृथ्वी भरे जानते हैं ना आप लोग, पृथ्वी 1 से बिल्कुल अलग है। पृथ्वी 1 तो इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है, पृथ्वी 2 पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स यानी कि इंडियन वायुसेना के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये भारतीय वायुसेना उपयोग करता है, ये पूरी तरह से खतरनाक है, और उसका रेंज पता कितना है? उसका रेंज अपने आप में सोचने वाली है दोस्तों, 250 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर का उसका रेंज है, यानी कि इतना रेंज में कोई भी दुश्मन आ जाए उसे ध्वस्त कर देगा, हजारों लाखों सैनिक को मार देगा, बड़े बड़े टैंक को उड़ा डालेगा, किसी को भी खत्म कर देगा, धरती पर तबाही मचा देगा। दोस्तों 250 किलोमीटर लेके 350 किलोमीटर में ये भयंकर तबाही मचाता है, और बड़ी बात तो यह है ये एक बार में कम से कम 750 केजी से लेके 1000 केजी का वारहेड ले जा सकता है, यानी कि एक बार में कम से कम 1000 किलो का जो पुरानु बम है वो ले जाएगा, दुश्मन को तबाह कर देगा। और दोस्तों भारतीय वायुसेना के पास यह 30 मिसाइल है, यानी कि 30 मिसाइल दोस्तों क्वांटिटी में 30 है, अपने आप में बहुत ज़्यादा मात्रा है, और खासतौर पर पाकिस्तान चीन में तांडव मचा देगा, तांडव। और दोस्तों ये कोई बहुत भारी मिसाइल नहीं है, इसका दोस्तों केवल पता है कितना वजन है? उसका वजन केवल 4600 केजी है। दोस्तों पृथ्वी मिसाइल का जो वजन है केवल 4600 केजी है, इतना ही नहीं उसका लेंथ दोस्तों बहुत बड़ी बात है, उसका लेंथ केवल 8.56 मीटर है। बड़ी बात तो यह है उसका जो डायमीटर है केवल 110 सेंटीमीटर है। इतना ही दोस्तों पृथ्वी 2 का एक और खासियत है, खासियत यह है कि इसमें इंजन है ना वो बेहद ही खतरनाक लगाया गया है, खासतौर पर सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट का उपयोग किया गया है। इतना ही नहीं पृथ्वी 2 में सॉलिड रॉकेट का भी उपयोग किया गया है। दोस्तों प्रोपेलेंट की बात करें तो उसमें लिक्विड फ्यूल, इतना ही नहीं सॉलिड फ्यूल का उपयोग किया गया है, और खास तौर पे दुश्मन के लिए साक्षात यमराज है। इतना ही नहीं इसे आप किसी भी हैवी जो ट्रक है, जो हैवी गाड़ी, उस पर आप रख सकते हैं, खास तौर पे टाटा का जो ट्रांसपोर्टर ट्रैक्टर लॉन्चर है उस पर रख सकते हैं, यानी कि दुनिया कोई भी बड़े हैवी व्हीकल है उस पर आप रख सकते हैं, आसानी से आप उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों बोलेंगे आखिरकार जब इतना खतरनाक है तो हम इसका नाम क्यों सुनते हैं? देखिए आप लोग अधिकांश तौर पर भारतीय यूट्यूबर हो गया, न्यूज चैनल हो गया, सुनते होंगे इजराइल ने वो मिसाइल बनाया, अमेरिका ने ऐसा बनाया, रूस ने वो किया, लेकिन दोस्तों हमारे पास खुद ही स्वदेशी एक से बढ़कर एक हथियार है मिसाइल, लेकिन कोई बताता नहीं, क्योंकि ये उस पर व्यूज नहीं आता है और व्यूज की डर से कोई काम नहीं करता। लेकिन दोस्तों मैं आपको तमाम भारतीय जो भी खुफिया मिसाइल है और जो भी खतरनाक मिसाइल, सबका मैं आपको जो डिटेल है वो बताऊंगा, और आपको समझ दोस्तों गर्व होगा, ये अभी वर्तमान में भारत का सबसे डेंजर मिसाइल है, और खासतौर पर पाकिस्तान का जो आधा हिस्सा है इस मिसाइल के रेंज में आता है, और खासतौर पर तिब्बत, दोस्तों तिब्बत में जो भी जिनका बड़ा बड़ा बेस है सब कुछ इस मिसाइल के रेंज में आता है। तिब्बत का जो भी बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट हो गया, हवाई अड्डा हो गया, तो सब कुछ इसके रेंज में आता है। कह सकते हैं कि जब भी युद्ध होगा दोस्तों आराम से इसे छोड़ देंगे और दुश्मन घर में तांडव मचा देगा। कह सकते हैं कि पृथ्वी 2 भारतीय वायुसेना का रीढ़ का हड्डी